अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं तैयब स्पोर्ट्स चैनल। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। एक शादी करने के बाद अगर आप दूसरा शादी करना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए इजाफे मिल जाएगा आसानी से। जी नाजरीन, अगर आप इसी तरह वीडियो के फैन हैं और इसी तरह वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी अलामत ज़रूर दबा दे ताकि नए अपडेट्स और ख़बरें आप तक बरवक मिल सके। जी नाजरीन, शादी मजहब इस्लाम का ऐसा फरीज़ा है जिससे माशरे के अमन के साथ साथ कई बीमारियां और जराइम भी ख़त्म हो जाते हैं। इससे न सिर्फ इंसानी पिलते पुलते ख़ानदान के वजूद का सिलसिला चलता है। शादी का फलसफा महज मजहबी ही नहीं है बल्कि जदीद साइंसी तहकीक ने भी इस अमर को लाजिमी बनाने के लिए कई बार ताकीद की है। ये शादी करने से माशरे में बेहतरीन माहौल पैदा होता है, मगर भी ज़माना या तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है या फिर स्टेटस हाई करने के चक्कर में, आवाम पैसा कमाने के चक्कर में इस कदर गलतियां करती हैं कि उसे शादी करने की फुर्सत नहीं है या फिर दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में माशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गई है। लेकिन जब हम ऐसे मुल्क की बात करेंगे कि जहाँ गुर्बत भी ज़्यादा हो और साथ ख्वातीन की तादाद भी मर्दों के नस्बत ज़्यादा हो, तो वहाँ की ख्वातीन कनवार ही ज़िंदगी के सारे बहारे देखने पर मजबूर हो जाती है। इन ममालिक में इराक जैसा मुल्क भी शामिल है जहाँ ख्वातीन की तादाद मर्दों की नस्बत कहीं ज़्यादा है। इराक मारूफ बैंक ने मुलाजिमीन को दूसरी शादी करने पर 1 करोड़ दिनार आसान शराइत पर कर्ज देने की पेशकश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इराक में 35 साल से ज़ायद उम्र की गैर शादीशुदा कनवारी ख्वातीन की तादाद खासी बढ़ चुकी है। तेल से माला माल अरब मुल्क 2003 में अमेरिका के हमले के बाद मुसलसल खाना जंगी के बायस मुआशी आदम इस्तेहकाम का सामना है। रोजगार के मसाइल के सबब नौजवानों और मर्दों की अक्सरियत गुर्बत का शिकार है, जो शादियों में बड़ी रुकावट है। इराक में किए गए एक सर्वे से हासिल आदाद व शुमार के मुताबिक 35 साल से ज़ायद 70% ख्वातीन गैर शादीशुदा है। इस सूरत हाल देखते हुए इराक बैंक अल रशीद ने अपने मुलाजिमीन को बड़ी पेशकश कर दी है कि इसका कोई भी मुलाजिम जिसका नौकरी करते हुए 2 साल हुए हो और पहली शादी पर कर्ज न लिया हो, वह 1 करोड़ दिनार उदार रकम हासिल कर सकेगा। ये अमर भी काबिल जिक्र है कि मुल्क में बेरोज़गारी के सबब नौजवानों की अक्सरियत बैरूनी ममालिक जाने की तरजीह दे रहे है, जिससे मुकामी ख्वातीन की शादियां न होने का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लिहाजा ऐसे में ख्वातीन की शादियां ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुकामी बैंक ने नौजवानों की तरगीब देने के लिए ये इकदाम उठाया है जिसकी हर तरफ से तारीफ की जा रही है। जी नाजरीन, एक नई वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अपना भाई तैयब स्पोर्ट्स को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।